पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार गिराई, अब पूरी ठसक के साथ बीजेपी में अपना हुक्म चला रहे हैं। पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी ऐसे वैसे नेता तो है नहीं। चौथी बार सीएम बनने वाला कितना तजुर्बेकार होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए अब सत्ता का बूमरैंग सिंधिया की तरफ पलट चुका है। चोट कभी भी लग सकती है, क्योंकि सीएम ने भी तय कर लिया है कि सिंधिया की बैंड बजाकर ही छोड़ेंगे। अव्वल तो बीजेपी ने दूसरे कांग्रेस विधायकों को तोड़ना शुरू कर दिया है। फिलहाल गिनती 3 तक पहुंची, पर यह आंकड़ा अभी और बढ़ने की संभावना है, ताकि सरकार चलाने में सिंधिया का दबाव झेलना मजबूरी न बन जाए। दूसरी तरफ कुछ सिंधिया समर्थकों को ऐसे प्रलोभन देना शुरू कर दिए हैं कि वो खुद ही टिकट की जिद छोड़ दें। ऐसे सिंधिया समर्थकों में पहला नाम शामिल हुआ है कमलेश जाटव का। अम्बाह से विधायक रहे कमलेश जाटव को खुद ही अपनी जीत की उम्मीद कम नजर आ रही है। यही हाल गोहद से रणवीर जाटव का भी है। वैसे भी दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल न होने पर ही झटका लगा है, जिसके बाद जीत की रही सही उम्मीद भी वो खो चुके हैं। बीजेपी के आंतरिक सर्वे के बाद दोनों को टिकट मिल पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि सर्वे के मुताबिक इन दोनों का जीतना बेहद मुश्किल है। लिहाजा अब बीजेपी इनमें से एक को मुरैना के महापौर के टिकट का लालच दे रही है और एक को किसी अन्य लाभ के पद पर पहुंचाने की बात हो रही है। अब ऐसा होने पर जाहिर है इन दोनों को पार्टी बदलने का अफसोस जरूर होगा। कांग्रेस में ही रहते तो कम से कम विधायक तो थे, तो विधायक बनने का दोबारा मौका मिलना भी कम ही नजर आ रहा है।